हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। मैं आप लोगों का क्लास 11th का एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर करवा रहा हूँ। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी वीडियो उसकी बना के डाल रखी है, आप वो ज़रूर देखिएगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसका पार्ट सेकेंड। ओके, तो पार्ट सेकेंड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे किंगडम मोनरा के बारे में। अब मोनरा क्या था? हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, आर एच विटेकर ने दिया था क्लास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है इसे। तो उसमें हमने यही देखा कि उसने जो पूरा किंगडम था, जो पूरा ऑर्गेनिजम्स था, उसको फाइव किंगडम में डिवाइड कर रखा था। जैसे कि फर्स्ट किंगडम क्या था, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था मोनरा का? फंजाई था, प्रोटिस्टा था, प्लांटे थे एंड एनिमेलिया था। ओके, तो उसमें आज हम जो पहला स्टार्ट करने वाले हैं वो है किंगडम मोनरा के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंगडम मोनरा, मोना, मोनोज माने होते हैं सिंगल। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इस कैटेगरी में सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं। ज़्यादातर इसमें कौन आते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया। ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं। बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग उनमें बहुत वेरिएशन होता है। शेप के अकॉर्डिंग होता है, उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, या फिर उनके फ्लैजिला के अकॉर्डिंग होता है। तो काफ़ी तरीके का डिफ्रेंसिएशन होता है, हमें मिलता है। और इसके अंदर फर्दर वेरिएशंस भी होते हैं। किंगडम मोनरा अलग अलग तरीके के होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि यू बैक्टीरिया होता है, आर्क बैक्टीरिया होता है, इसमें माइकोप्लाज्म होता है। तो इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मोनरा के बारे में। अच्छा, जो मोनरा होता है उसके अंदर सिर्फ क्या आता है? बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया। अब आप जानते हैं जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। हमारे बॉडी के अंदर हम सांस ले रहे हैं, हमारे मुंह के अंदर जा रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, वहां पर भी बैक्टीरिया है। कहीं पर भी, हर जगह, जहां पर भी आप जाओगे वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, ऐसी कहीं भी जगह नहीं है। चाहे आप बहुत ठंडी वाली जगह पे चले जाओ, बहुत गर्म वाली जगह पे चले जाओ, वहां हर जगह पर हार्श कंडीशन में हर तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि जो आर्क बैक्टीरिया है, जब हम आर्क बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे हम यही जानेंगे कि वो हार्श कंडीशन में भी रह सकता है, एकदम खतरनाक कंडीशन में भी आराम से रह सकता है, मस्त होके एकदम ठंडी वाली जगह पे भी रह सकता है और एकदम गर्म वाली जगह पे भी रह सकता है। ओके, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग्स। देख रहे हो आप, एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रह सकते हैं वो, एकदम ठंड में या एकदम गर्म में। हॉट स्प्रिंग्स पे भी रह सकते हैं, जहाँ वॉल्केनोज होते हैं ना, उसके आसपास का जो पानी होता है, जो जो वाटर लेक्स वगैरह होती हैं, वो कैसी होती है? गर्म पानी देती हैं वो, उसमें थोड़ा पानी गर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास वॉल्केनो वाला एरिया है, इसलिए। तो हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं कुछ बैक्टीरियाज, डेजर्ट्स एरिया में भी रहते हैं, एकदम गर्मी वाले सूखे एरिया में भी रहते हैं। आप देख रहे हैं वेरिएशन, देख रहे हैं इनमें कितना है? स्नो में, बर्फ में एंड डीप ओशियन, समंदर के अंदर जाके भी, बहुत अंदर जाके भी, एकदम डेप्थ में, वहां पर भी अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लिव फॉर्म्स कैन सर्वाइव। देख रहे हैं, जहां पर कोई और नहीं रह सकता वहां बैक्टीरिया रह सकता है, समझ रहे हैं आप? आप कहीं नहीं रह सकते बट बैक्टीरिया हर जगह रह सकता है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट। अब देखिए, बात समझिए कि पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं ये, किसी के अंदर भी और किसी के बाहर भी। मैंने आपको बताया था दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। पहली बात तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, और उसी में से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। ओके, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक, या फिर स्टमक नहीं कहते हुए हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पेट में कुछ खराबी होती है या कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों के, आपने सुना होगा छोटे बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? वो पैरासाइट्स है उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी न्यूट्रिशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, आप समझ रहे हैं ये वाली बात, जो न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्ब होता है सबसे ज्यादा, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बात याद रखिएगा, जब स्टमक से फूड डाइजेस्ट होता है, पूरा ब्रेक डाउन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें वो फिर जो भी सारा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं पर ये पैरासाइट्स रहते हैं। फिर क्या करते हैं? जो एब्जॉर्प्शन हमें नहीं मिल रहा, ये सारा ये चूस लेते हैं। तो ये कैसे हो गए? एंडो पैरासाइट्स। एक्सो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो मैंने टिक्स का एग्जाम्पल दिया था, जैसे डॉग्स है, डॉग्स के बॉडीज पर टिक्स रहते हैं, वो खून चूसते हैं उनका, तो खून से सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो समझ रहे हैं, पैरासाइट्स इन और आउट, अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह रह सकते हैं, समझ रहे हैं आप? ओके, अब बैक्टीरिया की चार कैटेगरीज बना रखी हैं, किसके अकॉर्डिंग? उसके शेप के अकॉर्डिंग। मैंने
वैसे तो उसके फ्लैजुलम के अकॉर्डिंग भी होता है, फ्लैजुलम माने जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, फ्लैजुला मैं आगे बताऊंगा फ्लैजुला क्या होता है, सीलिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, बट हम पढ़ेंगे सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग। अब शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप देख रहे हैं चार तरीके के होते हैं, इसी में और फर्दर डिवीजन होता है बट बेसिकली चार तरीके होते हैं। पहले आप देख रहे हैं कोकाई, कोकाई कैसा है, एक राउंड बॉल शेप जैसा है, तो ये बैक्टीरिया होता है राउंड राउंड शेप में। बैसिली, बैसिली आप देख रहे हैं किस तरीके के लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा लंबा, उसको हम क्या बोलते हैं, बैसिली। स्पायरेला, स्पायरेला क्या होता है, स्पायरेला ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके दोनों एंड्स पे फ्लैजुला अटैच्ड होते हैं, फ्लैजुलम या फ्लैजुला। आप फ्लैजुला आप समझिए, फ्लैजुला किस काम आता है, फ्लैजुला एक तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब ऑर्गेनिज्म को मूव कराने में काम आएगा। और जो हमेशा फ्लैजुला होता है वो एक दो तीन चार की क्वांटिटी में होता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट जो सीलिया होते हैं, सीलिया पूरे बॉडीज में, बॉडी में पाए जाते हैं। सीलिया क्या होता है, एक तरीके का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर माने बाल की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है और वो पूरे ऑर्गेनिज्म पर फैला रहता है, जैसे कि पैरामीशियम देखेंगे है ना, उसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजुला, ओ सॉरी सीलिया फैला रहता है पूरे बॉडी में, वो भी एक तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन है। ओके, आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे ह्यूमन बींग्स का, तो वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। आप ईसोफेगस देखेंगे, वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। जब आप डीप में पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको समझ में आएगा कि सीलिया है क्या। ओके, तो सीलिया के अकॉर्डिंग स्पायरेला, और एक कॉमा शेप का भी होता है जिसको हम बोलते हैं विब्रियो। तो आप समझ रहे हैं, अब साइड में मैंने इसका एग्जाम्पल लिखे हैं कि कोकाई से कौन सी बीमारी होती है या किस तरीके की, उसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, उससे होता क्या है। तो कोकाई कोकस का एक एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए कोकाई एक सिंगल बॉल, समझ रहे हैं, एक सीधा गोला जो है वो क्या हो गया, कोकाई। अब बहुत सारे जैसे कि माला होती है ना, मोतियों की माला, ऐसी एक मोतियों की माला बन जाए पूरी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये कौन सी बीमारी करेगा, निमोनिया, समझ रहे हैं आप, नाम से समझिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन सी बीमारी करेगा, निमोनिया। बैसिलस, बैसिलस से बीमारी होती है, और जो बैक्टीरिया का नाम है वो बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस क्या करता है, एंथ्रेक्स, जो ज्यादातर कैटल्स वगैरह होते हैं ये उसमें लगती है बीमारी, एनिमल्स में, कैटल्स में। ओके, क्या नाम है, एंथ्रेक्स। जो विब्रियो है मैंने बताया कॉमा शेप का होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलरे। विब्रियो कॉलरे क्या करेगा, कॉलरा करेगा, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं स्पायरिलम, जो स्पायरिलम है उसका जो एक एग्जाम्पल है वो हेलिकोबैक्टर पायरोली, बहुत इंपॉर्टेंट, पायरोली स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है इसमें, PYROLI स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली ये क्या बीमारी करता है, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक जो पेप्टिक ग्लैंड है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में, स्टमक में अल्सर कर देता है ये। अल्सर समझते हैं आप, अल्सर माने पेट में फोड़े, पेट में फोड़े क्यों हो जाते हैं ये आप समझ रहे हैं, आप समझिए इसको थोड़ा, कि होता क्या है, जैसे कि आपकी जो स्टमक है, स्टमक में आप जानते हैं कि एसिड, एसिड होता है बहुत ज़्यादा, स्टमक हमारा एक तरीके का एसिडिक मीडियम है, वहाँ पर इतना खतरनाक HCl एसिड होता है कि बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक होता है। और हम एक ऐसे एग्जाम्पल से हम समझे कि अगर उसके अंदर आप पेट में आप ब्लेड भी डाल देना अपने पेट में तो वो भी गल जाएगा, वो भी पिघल जाएगा, इतना खतरनाक एसिड होता है। बट फिर भी हमारे स्टमक उस एसिड से जलता नहीं है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो लाइनिंग है स्टमक के अंदर से वो किसकी बनी हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे स्टमक को, एसिड से बचाता है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो हेलिकोबैक्टर पायरोली है ये अल्सर पैदा कैसे करता है, कि उस म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़ने लगता है। अब जब म्यूकस मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो उस जगह से, उस पर्टिकुलर जगह से क्या होगा, स्टमक छुलेगा किससे, एसिड से, एसिड जाएगा वहां से होते हुए, फिर एसिड से क्या होगा, स्टमक जलने लगेगा। अब जब चीज जलती है, हमारे हाथ पैर जलते हैं तो हमारे शरीर पर क्या बनता है, फोड़े पड़ जाते हैं, फफोले से पड़ जाते हैं, तो वही चीज़ क्या है, एक तरीके का अल्सर है। तो ये बीमारियां होती हैं, ये इस वजह से भी होती है, बैक्टीरिया की वजह से। और आप मानेंगे इस बात को कि ज़्यादा आप फास्ट फूड खाने से भी, बाहर की फास्ट फूड गंदी चीज़ें खाने से भी पेट में अल्सर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन टूटने लगती है जिसकी वजह से बहुत बीमारियां होती हैं। तभी कहते हैं कि फास्ट फूड या बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये कितने खतरनाक बैक्टीरियाज हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये चार तरीके के हो गए, आप समझ गए, स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप, बैसिलस, कॉमा शेप, विब्रियम, स्पायरल, स्पायरिलम, सबके बारे में लिखा हुआ है।
साइड में आप डायग्राम देखेंगे तो उसके बारे में बैक्टीरिया मोनेरा के बारे में छोटी छोटी कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि बैक्टीरिया जो एक ऐसा प्रोकैरियोटिक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भाई इसी हिसाब से हुआ था कि मोनेरा प्रोकैरियोट में रहेगा और बाकी के चारों चीज किस में रहेंगे, यूकैरियोट्स में रहेंगे। अब ये मत पूछना कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, पार्ट फर्स्ट देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सही बात है, हम अपने नेक्ड आईज से इन्हें नहीं देख पाएंगे, हमें आंखों से चलते हुए हवा में उड़ते हुए बातें करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों क्यों? सिर्फ ही माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगे हमें। रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है, जो किनारे इनकी जो चर्बी होती है बहुत ज्यादा रिजिड होती है, आप मतलब पूरा भार से बहुत रिजिड होती है, समझ रहे हैं? तभी तो ये हॉट एक्सट्रीम क्लाइमेट या एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेती हैं, कहीं भी रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको असर नहीं पड़ता ना, चर्बी मोटी है, समझ रहे हैं, बाहर कवरिंग मोटी है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाइनरी फिजन। मैंने फिजन का एक डायग्राम भी दिया था फर्स्ट पार्ट में, आप जरूर देखना। बाइनरी माने होता है कि दो, बाइनरी माने दो, बाइनरी नंबर होते हैं कंप्यूटर में 1 0, तो बाइनरी माने दो। फिजन रिप्रोडक्शन कैसा होता है कि एक पेरेंट सेल न्यूक्लियस से टूटेगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पेरेंट दो ऑफस्प्रिंग बन गए, दो बच्चे पैदा हो गए, बात खत्म, सेम तरीके के होंगे वो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंपल सी बात है। लॉजिक लगाना सीख जाओ आप लोग, लिंक करना सीख जाओ हर बात से, आगे आप बढ़िए। न्यूट्रिशन कैसा होता है? कई तरीके का न्यूट्रिशन होता है, इनमें एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक सिंपल बात, फोटोसिंथेसिस से जो होता है अपना खाना स्वयं बनाएंगे धूप की मदद से। कीमोट्रॉफिक, केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स को तोड़ेंगे आसपास के वातावरण से, केमिकल लेंगे अपना एटीपी बनाएंगे और मस्त रहेंगे। सेप्रोफाइटिक, डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे खाएंगे उनको और उसमें से न्यूट्रिशन अपना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, चूस लेंगे, सही है। पैरासाइटिक, मैं आपको बता चुका हूँ कि लिविंग बॉडीज पर लगेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं पर भी, वहां से न्यूट्रिशन सक करेंगे, या फिर डॉग्स के ऊपर लगेंगे जैसे कि टिक्स होते हैं, वहां से न्यूट्रिशन ब्लड को सक करेंगे और अपना काम चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्त रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए किंगडम मोनेरा जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आर्क बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा। अब जो आर्क बैक्टीरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्क मैंने बताया था कि आर्क माने होता है बहुत पुराना, ओल्ड टाइप का। आर्क का मतलब होता है जैसे आर्कियोलॉजी होता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजों की खुदाई करके उसमें से खुदाई करके निकालते हैं सामान को, फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्किया माने तो पुराने तरीके के बैक्टीरिया, एकदम हमारे दादा परदादा टाइप के। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, नए तरीके के जो आजकल की जनरेशन है। और माइक्रोप्लाज्म यहीं कहीं छोटे मोटे बहुत बैक्टीरिया होते हैं, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म ही होता है, बहुत छोटा सेल होता है इसका, पीपीएलओ भी बोलते हैं इसे। अब पीपीएलओ की फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा। पहला हम पढ़ते हैं आर्क बैक्टीरिया, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया पुराने तरीके के, देखें आप हार्श हैबिटाट में रह सकते हैं ये। दीज बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कि कंडीशन के नाम लिखे हुए हैं, उनका साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक अच्छे शब्द। देखिए अच्छे शब्द पढ़ेंगे तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे, अच्छा आंसर मिलेगा तो शाबाशी देगा टीचर, ठीक है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, बहुत ही नमकीले पानी में, बहुत ही नमकीली एरिया में ये रह सकते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। सारे रेड अंडरलाइन जो रेड हाईलाइट कर रखे हैं ना, आप समझ लो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो माने क्या होता है समझ लो? थर्मामीटर, हीट। थर्मा का मतलब होता है हीट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मामीटर, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मा का मतलब होता है हीट, तो गर्म वाली हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरा होता है मार्शी एरियाज में, जो दलदली एरिया होता है, मार्शी एरिया, जो मार्श गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। मार्श गैसेस क्या होता है, ये क्या बोल दिया सर ने? मार्श गैसेस होती है मीथेन गैसेस। अब मीथेन क्या होता है? CH4। अब CH4 क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे टेंथ जब आप, हाँ आप आगे आप समझते होंगे मीथेन तो CH4 होता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला होता है मीथेन का, क्या होता है? CH4। ओके, तो जो मार्श एरियाज में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? मीथेनोजेंस, वो जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब मीथेन एक तरीके का क्या है? क्या है? बायोगैस। ये तो पता होगा आपको कि जब बायोगैस बायोगैस प्लांट बनाते हैं, जब प्लांट बनता है उसका, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और मीथेन गैस एक तरीके का एनर्जी सोर्स है, समझ रहे हैं? तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रिमिनेंट एनिमल्स। कहाँ? जो भी रिमिनेंट एनिमल्स हैं उनके गट में, मतलब उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं या स्टमक में पाए जाते हैं, गट में, ठीक है।
मिथेनोजेंस। अब ये रिमिनेंट एनिमल्स क्या हैं, अभी समझेंगे इसके बारे में। आप थोड़ा दिमाग में रखिए, इसे होल्ड रखिए, अभी बताता हूँ। रिमिनेंट एनिमल्स पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कौन है। काउज हैं, बफेलोज हैं, ज़्यादातर कैटल्स होते हैं। हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है ये कि जो रिमिनेंट एनिमल्स हैं उनका जो स्टमक है इस तरीके से बना होता है कि वो क्या ब्रेक डाउन कर सके, सेल्यूलोज को। अभी सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज जो भी प्लांट मटेरियल होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, वो पार्ट जो कभी डाइजेस्ट नहीं होता, हम लोगों से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर हम गन्ना खा रहे हैं तो क्या आप पूरा गन्ना खा जाओगे, नहीं, आप उसका रस चूसोगे सिर्फ। आप रस निकाल लोगे, आप उसका जूस निकालोगे, वही तो आप ले लोगे अंदर, ठीक है, बट जो उसका गन्ना होता है, जो उसका स्टफ बचता है, क्या उसे आप खा जाओगे, नहीं, आप उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों, कारण क्या है, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है कि वो सेल्यूलोज को तोड़ सके, प्लांट मटेरियल को तोड़ सके। बट जो रुमिनेंट्स होते हैं, अब गाय भैंस हैं, क्या कर रही हैं, गाय भैंस खा रही हैं, ग्रास खा रही है ना, खेत में चर रही हैं, ये सब चीज़ तो करती हैं, क्या घास फूस तो खाती हैं, तब तो उनके अंदर सेल्यूलोज जा रहा है, अब सेल्यूलोज को तोड़ने का काम तो होगा ना। तो इनको हम बोलते हैं रुमिनेंट एनिमल, जो चबा चबा के मुँह, गाय चलाती रहती है, मुँह चलाती रहती है, चलाती रहती है, चूई करती रहती है ना, चबाती रहती है, चबाती रहती है। वो क्यों करती है, फर्मेंटेशन होता है उनके बॉडी में, जो भी मटेरियल है अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, तभी उनके मुंह में झाग सा निकलता रहता है व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा। वो ये मटेरियल बार बार अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, फिर वो टूटने लगता है, सेलुलोज टूटने लगता है, फिर जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है अंदर। बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी देखेंगे, मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा मैं आपको। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस होती है जो काव डंग होता है ना, गाय का गोबर, उसमें मीथेन होती है बहुत ज़्यादा। अब आप है ना मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं कहेंगे, बट हम कहेंगे ग्लोबल सॉरी ग्रीन हाउस गैस, जो टर्म है ग्रीन हाउस गैस, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कमेंट करिएगा क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि CFC होती है, मीथेन होती है, स्टीम होती है, ये सब खतरनाक गैसेज हैं। तो मीथेन का जो अमाउंट है ना, किस में आता है, ग्रीन हाउस गैसेज में आता है, खतरनाक है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा नहीं, काफ़ी काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस कौन करती है, गाय भैंस है, क्योंकि वो पॉटी करती हैं, जब वो काव डंग करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मीथेन होता है, और वो क्या कर रहा है, हमारे एटमोसफेयर को वो मीथेन ख़राब कर रही है। इसलिए उस मीथेन गैस को हम इकट्ठा कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, जैसे कि हम उसे यूज़ कर सकें किसी अच्छी जगह पर एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है। ओके, साइड में एक डायग्राम है आर्क बैक्टीरिया के, काइंड्स मैंने बताया ऊपर कि मीथेनोजेंस होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स में वही आ गए, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो मीथेनोजेंस क्या होते हैं, दीज आर आर्क बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस है ना, तो किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जोड़ के बनेगा, तो एक गैस प्रोड्यूस करेंगे ये लोग। मीथेनोजेंस लिव डीप इन द मड ऑफ स्वाम्प्स एंड आर पॉइजन बाय इवन ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। जो मीथेनोजेंस होते हैं कहाँ रहते हैं, स्वाम्पी एरियाज में, दलदली इलाके में रहते हैं काफ़ी। ओके, एक्सट्रीमोफाइल्स, हमने थर्मोफाइल्स पढ़ा, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, हॉट प्लेसेस में रहते हैं थर्मोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, सॉल्टी लेक्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी लेक्स जो होती है ना वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इतना तो काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। रिमिनेंट्स देखिए, कितनी क्यूट गाय है, जो रिमिनेंट है इसमें आप देख रहे हैं इनके स्टमक, जो स्टमक होता है ना रिमिनेंट्स का, वो काफ़ी चार चैम्बर का होता है, पहली बात तो अभी समझिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टमक होता है। ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, अब मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, मैं ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपके काम आएगा, ये आपके नीट में, मेडिकल्स मेडिकल के एग्जाम में काम आएगा, समझ रहे हैं आप। तो जो स्टमक होता है ना रिमिनेंट्स का, वो फोर चैम्बर्ड होता है, चार चैम्बर होते हैं उसमें अलग अलग, ठीक है। एक होता है रूमेन, एबोमासम, ओमासम और रेटिकुलम, ये तीन पार्ट्स, सॉरी चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारा स्टमक एक ही पार्ट का बना होता है, इसमें चार पार्ट होते हैं, अलग अलग काम होता है इसमें, ठीक है। तो रिमिनेंट्स आर मैमल्स दैट आर एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। रिमिनेंट्स कौन होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड को लेते हैं उसमें से न्यूट्रिशन, और उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट समझते हैं, फर्मेंट का हिंदी शब्द होता है सड़ाना, बैक्टीरिया की मदद से सड़ाना उसे। इन अ स्पेशलाइज स्टमक प्रायर टू डाइजेशन, डाइजेशन से पहले उनका स्टमक जो होता है, एक स्पेशलाइज स्टमक है, कह रहे हैं वो खुद स्पेशलाइज स्टमक, मतलब चार चैम्बर वाला स्टमक, वहाँ ये सारा डाइजेशन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, रूमेन, रूमेन जो हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब इस रूमेन में सेलुलोज डाइजेस्ट करने का कुछ ना कुछ तो होगा मटीरियल,
तो इसके अंदर सेल्युलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्युलेज एंजाइम। अब वो सेल्युलेज एंजाइम बनता कैसे, पहले आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए जो रुमेन होता है, मतलब जो काओ है या मैमल्स है, रुमिनेंट है, रुमिनेंट का नाम ये रुमेन से ही आया है क्योंकि स्टमक का पार्ट है रुमेन। इस रुमेन जगह पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनका नाम है रुमिनोकोकस। क्या नाम है? रुमिनोकोकस। ये बैक्टीरिया कैसे है? सिम्बायोटिक। अब ये क्या बोल दिया सर ने, सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि कोई इंसान या कोई बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया मानो, कोई बैक्टीरिया आपके साथ जुड़ के रह रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ के रह रहा है। जिस ऑर्गेनिज्म के साथ वो जुड़ के रहेगा उसे होस्ट बोलेंगे। तो किसी होस्ट के साथ जुड़ के रह रहा है तो कोई ना कोई उसका फायदा निकलना चाहिए। समझ रहे हो आप? आप भी किसी से दोस्ती करते हो, आजकल दोस्ती ऐसी होती है, आजकल लोग बहुत शाणे हैं, दोस्ती करते हैं काम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये भी जो बैक्टीरिया काम निकालने के लिए दोस्ती करते हैं, किसी के साथ रहते हैं। तो भाई काओ ने कहा कि आओ मेरे पेट में रहो आराम से। बैक्टीरिया रुमिनोकोकस से कहा, वो ठीक है, वो कह रहे हैं बैक्टीरिया कि ठीक है मैं आपके पेट में रहूंगा। गाय ने कहा मेरा क्या फायदा करोगे? तो बैक्टीरिया ने कहा एक काम करता हूँ, मैं आपके आपके अंदर न्यूट्रिशन लूंगा, उसके साथ साथ जो मैं सिक्रीट करूंगा वो एक तरीके का ऐसा एंजाइम होगा जिसका नाम मैं दूंगा सेल्यूलेज, जो क्या तोड़ेगा? सेल्यूलोज को। अब तो खुश हो? तो गाय ने कहा हाँ ठीक है अब मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज खाएगी गाय, तो वो टूटेगा कैसे? सेल्यूलेज एंजाइम की वजह से। और ये सेल्यूलेज एंजाइम कौन सीक्रीट करेगा? रुमिनोकोकस। रुमिनोकोकस का एक तरीके का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो समझ रहे हैं? तो बैक्टीरिया को छत मिल रही है रहने के लिए, मतलब पेट में रहेगा रुमेन में, और वो हेल्प करेगा किसकी? गाय की। क्या सीक्रीट करने के लिए? सेल्यूलेज एंजाइम। काफी एक्सप्लेन कर दिया इससे, अब इसमें तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया तब कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बिल्कुल एकदम नए तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके समझ रहे हैं? ओके। कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम। इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है कि रिजिड सेल वॉल पाया जाता है इसमें, और अगर वो मूव करने वाले हैं तो फ्लैजुलम जरूर पाया जाएगा भाई उसमें, वो जरूरी है फ्लैजुलम। ओके अब इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया आते हैं और उनका एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये नाम याद रख लेना है आपको, बिल्कुल एकदम टिप पे होने चाहिए। ब्लू ग्रीन एल्गे बोलो, BGA बोलो, साइनोबैक्टीरिया बोलो, एक ही बात है। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो कैसा होता है ग्रीन प्लांट्स में जैसे पाया जाता है ना, जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं ग्रीन प्लांट्स में, वही चीज़ इनमें पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में। तो ये एक तरीके के क्या हो गए? फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉप्स हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए। मतलब कि अपना खाना स्वयं बना लेंगे, जैसे प्लांट बनाता है वैसे ये बना लेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। भाई ये कैसे होते हैं? या तो अकेले रह लेंगे या किसी कॉलोनी में रह लेंगे, या फिलामेंट शेप में रहेंगे। फिलामेंट समझते हो, जैसे लंबे तार की तरह। मरीन पानी में रह लेंगे, और टेरेस्ट्रियल एल्गे, और जमीन पर भी रह सकते हैं। देख रहे हो, बैक्टीरिया में हमने कहा था कि हर जगह रह सकते हैं, तो ये हर जगह रह रहे हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब साइड में आप डायग्राम देखेंगे, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे जिसका नाम है नॉस्टेक, एक्वेटिक है, समझ रहे हैं? नॉस्टेक। इसका जो कवरिंग है आउटर कवरिंग जो ब्लू कलर से शेड हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो मूवमेंट में काम आती है, कवरिंग रहती है एक तरीके की। अब बीच बीच में आप पार्ट्स देख रहे होंगे इसके, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। अभी हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवाने का मतलब ये हुआ कि ये पूरी परमेबल होते हैं नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन गैस जो आसपास होगी, इन्हें अपने आप तो मिलेगी नहीं, इन्हें ज़रूरत है नाइट्रोजन गैस की, तो आसपास का एटमोसफेयर से नाइट्रोजन गैस को लेंगे, अपने अंदर लेंगे और उसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? नाइट्रोजन गैस को। तो हो गया ये फिक्स कर रहा है एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को, जैसे कि नॉस्टेक हो गया, एनाबेना हो गया, ये दो एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा। कैसे है ये? फोटोसिंथेटिक। अब इसमें एक और प्रजाति आती है, वो होती है कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल का इस्तेमाल करके अपना एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी रिसोर्स बनाते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। देख रहे हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, इन सबको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन्हें यूज करके वो एनर्जी बना लेता है।
और एनर्जी किस फॉर्म में बना था? एटीपी प्रोडक्शन में, एटीपी फॉर्मेशन में। एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। एटीपी एक तरीके का पैकेट है जो एनर्जी बना, एनर्जी का पैकेट है। आप समझ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेल ऑर्गेनेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ रहे हैं, पावर हाउस क्यों? क्योंकि वो एनर्जी रिसोर्स है, एनर्जी बनाता है या फिर एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्टोर किस फॉर्म में करेगा, किस शेप में करेगा, किस तरीके में करेगा? एटीपी के प्रोडक्शन में, मतलब एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा आता है इसमें हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमने से पहला पढ़ लिया था फोटोसिंथेटिक, दूसरा पढ़ लिया कीमोसिंथेटिक, और तीसरा है इसमें हेटरोट्रॉफिक। भाई साहब, अपना खाना हम नहीं बनाएंगे, हमें नहीं आता, हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। अब ये कौन से होते हैं? डिकम्पोजर्स, जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, देखिए, दे आर हेल्पफुल। ओके, अब देखिए, कुछ बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक बातें हुई उनके बारे में, बट भाई हमें तो उनके बाद अच्छी बातें भी करनी होती हैं। हम किसी के बारे में हम बताते हैं तो थोड़ी बहुत बुराई करते हैं, थोड़ी बहुत अच्छा ही करते हैं, मीडियम होना चाहिए काम। तो उनकी अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं, अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा भी हैं। किस काम में आती हैं भाई? दूध से दही बनाने में काम आती हैं, समझ रहे हैं? कर्ड, कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टो माने होता है मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लैक्टोस, तो वहीं से नाम आया लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनाने का काम यही करता है भाई साहब। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। भाई हम दवाइयाँ खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, हम क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो आई हैं सबसे पहले बैक्टीरिया से आई हैं, पेनिसिलियम सबसे पहली बैक्टीरिया, पेनिसिलिन, समझ रहे हैं, सबसे पहली बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन थी। किस बैक्टीरिया से आई थी? पेनिसिलियम। और किस साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी? मैं बताऊं कि आप कमेंट करेंगे, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। देखो, और तीसरा भी काम क्या कर रहे हैं, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। अब ये लेग्यूम क्या होता है? देखिए, मेरा काम क्या है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी करना। अगर आपकी वोकैब अच्छी है ना किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपकी साइंस की सब्जेक्ट है, बायो की सब्जेक्ट की वोकैब भी अच्छी है ना, आप बहुत कुछ कर जाओगे। वोकैब होना, बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। एक एक शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये शब्द यूज़ हुआ है तो है क्या ये। तो लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादातर दाल की प्रजाति के होते हैं। वो प्लांट्स जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस की प्रजाति वाले प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। अच्छा, अब ये बात समझ लीजिएगा कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं ना, वो रूट से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब उन्हें रूट से सारा न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, सॉइल के थ्रू होके होते हुए, पानी से होते हुए सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, बट वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। और नाइट्रोजन लेना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि डेवलपमेंट होना चाहिए, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन ले नहीं पाते। तो वही केस, इनके पास एक बैक्टीरिया रहता है, वही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमने पहले बताया था। अब वो वहाँ रहेगा किराए पे, वो कह रहा भाई ठीक है भाई, मुझे रूट पे अपनी जगह दे दो। बैक्टीरिया का नाम समझ लीजिए, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम या राइजोबिया। वो बैक्टीरिया कहेगा लेग्यूमिनस रूट से कि भाई मुझे रख लो। रूट ने कहा ठीक है मैं रख लूंगा, तू क्या करेगा मेरे लिए, हेल्प क्या करेगा? वो कहेगा भाई साहब मैं आपके रूट में रहूंगा, यहीं पर ऐसे अपने ग्रुप बना बना के रहूंगा, एक राउंड शेप में, नोड्यूल शेप में। और मैं क्या करूंगा, आप नाइट्रोजन नहीं ले पाते हो ना, मैं एक काम करूंगा, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के आपको देता रहूंगा। उसने कहा ठीक है मेरे मजे आ जाएंगे। तो राइजोबियम को छत मिल गई रूट में, और रूट को क्या मिल गया? नाइट्रोजन एटमोसफेयर से। तो समझ रहे हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव सिम्बायोटिक है, नेगेटिव भी होती है इसमें, कि इंसान रह तो रहा है बट किसी काम का नहीं है। होते हैं ऐसे दोस्त भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अड़ोसी पड़ोसी, रहते साथ में किसी काम के नहीं होते वो मगर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ तरीके के बैक्टीरिया, देखो हम बैक्टीरिया वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अच्छी की भी बात कर सकते हैं, बुरी की भी बात कर सकते हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं पैथोजन तो हम बुराइयाँ ही करेंगे उसकी, सिर्फ वो बुरे वाले होते हैं, गंदे वाले होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन, जो बीमारियाँ प्रोड्यूस करते हैं। हर जगह बीमारी पैदा कर सकते हैं। क्रॉप हो गया, एनिमल्स हो गए, पेट्स हो गए, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर प्लांट में होता है, बाकी तो आप समझते हैं सब ह्यूमन में ही, मतलब ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, सॉरी प्रोड्यूस नहीं, रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं वो फिजन के द्वारा ही होता है। फिजन का देखिए डायग्राम कितना बढ़िया सा है। एक पेरेंट सेल होगा,
उसका न्यूक्लियस टूटेगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा, डीएनए टूटा फिर उसका साइटोप्लाज्म भी टूटेगा और उससे क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल, दो बेटियां पैदा हो जाएंगी। डॉटर का मतलब लड़की नहीं होगी यहाँ पे, लड़का भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉटर सेल माने कि ऑफस्प्रिंग, नया जन्म। ओके, तो फ्यूजन के द्वारा ये कार्यक्रम होता है। अब देखो इसमें लिखा है समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कभी कभार वह सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन, वो स्पोर बना लेंगे, मतलब कि जो उनके सेल्स बनेंगे कैसे बनेंगे, वो गोल 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 लड्डू जैसे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर से एक कवरिंग बना लेंगे, छाता सा बना लेंगे, कहेंगे हम इसी के अंदर रह रहे हैं भाई, समझ रहे हो, क्योंकि बाहर है ना अच्छा मौसम नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, हम इसी के अंदर रहते हैं। और जब अच्छा वातावरण आएगा तो वो स्पोर्स फूट जाएंगे, उसमें से रिप्रोडक्शन, मतलब स्पोर्स फूट गए उसमें से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और समझ रहे हैं आप, तो फिजन बात समझ लीजिए मेन क्या होता है। तो आप समझ गए चारों बातें, तीनों बात सारी, सब तीनों तरीके की चीज़ समझ गए। ओके, दो चीज़ें हो गई, हाँ तीसरा रह गया, सॉरी, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बहुत छोटा सा है, माइकोप्लाज्म होता है, माइकोप्लाज्म इसमें सेल वॉल नहीं होती। पहली बात तो सेल वॉल नहीं होगी, समझ रहे, जिसके आसपास सेल वॉल नहीं होती ना वो बड़ा खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक है। किसी की भी शेप ले लेगा, आपके अंदर गया तो आपकी शेप ले ली, किसी और के अंदर गया तो किसी और सेल की शेप ले ली, तो ये बहुत खतरनाक है। इसका सेल वॉल नहीं है, सबसे छोटा है ये बट सबसे खोटा यही है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, सबसे छोटा लिविंग सेल है, खतरनाक है, विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है ये। मैनी माइक्रोबाइज़म में पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ खतरनाक होते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स में, खतरनाक होते हैं। इसका नाम भी एक दिया हुआ है, इसको नाम दिया गया जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, इसका नाम दिया गया जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का जोकर है, जोकर समझते हैं आप, जोकर वो होता है जो किसी का भी रूप धारण कर लेता है। आपने मूवी भी देखी होगी जोकर, वॉकिंग फीनिक्स की ऑस्कर भी मिला है उसे, ठीक है। तो जोकर वो होता है जो किसी का भी रूप ले लेता है। अब भाई सेल वॉल नहीं है ना, तो किसी का भी रूप ले लेता है, तो खतरनाक है, इसलिए नाम दिया गया उसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, समझ गए बात। प्रोटिस्टा ये हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। अभी आपने सारा जो मेरे को समझाना था आप समझ गए, तीनों तरीके के बैक्टीरिया समझ गए, यू बैक्टीरिया समझ गए, फिर आर्क बैक्टीरिया था इसमें, आर्क बैक्टीरिया समझ गए होंगे आप, ठीक है, सब चीज़ें समझ में आ गई आपको। जो भी परेशानी हो, जो भी डाउट हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।